और जरूरी चीज के जी यार आप चुप रहे, ये आपकी जो है ना हमारे दुश्मनों की रट, भाई सिंध के लोगों से पूछें क्यों वोट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। खैर मैं डायलॉग में नहीं होना चाहता। हाँ ये होते हैं हारे, बहुत ही माजरत के साथ जो नहीं जीत सकते वो फिर वही दूसरे लोगों में गलत इल्ज़ाम लगाते। खैर एक चीज़ जिस पे हमने काम करना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और ये सारे मेम्बरान हमारी साइड वाले इसको जानते हैं, वो चाहते हैं कि जी मेरा इस वक्त मिशन है कि मैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मैं हर जगह पहुंचा सकूं पूरे सिंध के अंदर। और ये है प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहते कि सब ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इस पर हम ख़ास तौर पर काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर मैं जब आया ना इधर, आज भी मैंने सुना देही शहरी, ठीक है देही और शहरी, कहते मैं कराची में पैदा हुआ। इधर जब मैं आया ना अपनी साइड वाले तो सब मुझे जानते थे, मुझे एक उस साइड पे बैठे हुए दोस्त मिले, अब दोस्ती कहूँगा इसलिए कि सारे मेंबर ऑनरेबल मेंबर मिले, उन्हें कहा जी मैं भी सेंट पैट्रिक से पढ़ा हुआ, आप भी सेंट पैट्रिक से पढ़े। आगे गया तो एक और मिले जी मैं एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आप भी एनईडी यूनिवर्सिटी से पढ़े। ओ भाई मैं इस शहर को अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम नहीं जानता। आप लोग सबके सब मेरा ख्याल है, हो सकता है कोई एक आध मेरे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में मेरे से छोटे हैं। मैंने इस शहर का वो टाइम भी देखा है जब मैं रात को दो दो तीन तीन बजे नाजमाबाद नॉर्थ नाजमाबाद वो सब्जी मंडी पे छोले खाने जाया करता था नाश्ता करने, सुबह तीन बजे, कहीं और नहीं मिलता था नाश्ता। अब बड़ा मुश्किल हो गया उसकी वजूहत। तो इस शहर के लिए इंशाल्लाह ताला, और हमने किया है इसी वजह से, हमारे पास इस शहर के लोगों ने और हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मेयर पहली बार चुना है, और आगे भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी निकालेगी शहर से। और कराची को भी आप कि सिंध का हिस्सा समझे, रेहान राजपूत भाई थे ना उधर हैदराबाद से, उन्होंने तकरीर की, कहा कि जी मैं सिंध जाता हूँ, मैं हैदराबाद से थर जाता हूँ और उधर बड़े मिलनसार हैं। यार कराची के लोग भी बड़े मिलनसार हैं, उधर भी आ जाया करें कभी कभी, सिंध का हिस्सा पता नहीं उधर ही जाते हैं। तो ये मेहरबानी करके अपने, अगर कोई दिमाग में ऐसी बात है कि समझते हैं कि सिंध कराची को कोई सिंध से अलग समझते हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें। हम अब बहुत हो गई है, हम ये 85 से ये शुरू हुई थी बात, और जिसने शुरू की थी उसको अब आप लोग भी नहीं मानते, उसको आप लोग डिसोन कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़े और ये जो फ्लॉड थिंकिंग है उसको दूर करें, अगर इस सूबे के इस शहर के लोगों की भलाई चाहते हैं।